केंद्र सरकार ने राशन कार्ड के बदल दिए नियम, आज से हुए लागू। अब राशन के साथ मिलेगा कई सुविधाओं का लाभ। मोदी सरकार की पूरी तैयारी, राशन कार्ड धारकों को मिलेगा बम्पर लाभ, नहीं चलेगी कोई धांधली। क्या है नए नियम, सरकार कौन सी सुविधा देने जा रही, मुफ्त राशन मिलेगा या नहीं, हर सवाल का जवाब जानिए। नए वित्त वर्ष के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार ने राशन कार्ड धारकों को बड़ी खुशखबरी देकर बल्ले बल्ले कर दिया। अब सरकार सिर्फ राशन ही नहीं, उसके साथ और सुविधाएं भी देने जा रही है। इसके लिए सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। केंद्र सरकार की तरफ से राशन कार्ड के लिए नए नियम जारी किए जा रहे हैं। आइए बिना देर किए आपको नए नियम, राशन कार्ड धारकों को मिलने वाला लाभ, क्यों किया गया नियम में बदलाव, हर सवाल का जवाब बताते हैं। राशन कार्ड की दुकानों पर एक नई डिवाइस का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे राशन कार्ड धारकों को बड़ा फायदा मिलेगा। सरकार की ओर से जारी किए गए नए नियमों के तहत दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को जरूरी कर दिया गया है, जिससे कि राशन पूरा मिले, इसके साथ ही किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। सरकार की तरफ से राशन केंद्र पर ई पोस मशीन को जरूरी कर दिया गया है, इसके बिना राशन का वितरण नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाभार्थियों को पूरी मात्रा में राशन मिल सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने राशन के दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ जोड़े जाने के लिए खाद्य सुरक्षा कानून नियमों में संशोधन कर दिया। क्या है राशन के नए नियम, सरकार का कहना है कि ये संशोधन NFSA के तहत टारगेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संचालन की पारदर्शिता में सुधार को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति प्रति महीने 5 किलो गेहूं और चावल 2-3 रुपए प्रति किलोग्राम के रियायती दरों पर दे रही है। अब आपको बताते हैं कि क्यों हुआ है नियमों में बदलाव। राशन में गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लाभार्थी के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल यानी POS डिवाइस को इलेक्ट्रॉनिक तराजू से जोड़ा गया है, जिसके बाद तौल में गड़बड़ी की आशंका को समाप्त किया जाता है। ये ऑनलाइन मोड के अलावा ऑफलाइन मोड में भी कार्य करेगी, जिसके कारण पारदर्शिता बढ़ेगी और कमजोर वितरण मामले को रोकने में सरकार सक्षम होगी। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से साल 2023 में भी फ्री राशन देने का ऐलान किया गया है। सरकार की तरफ से करोड़ों लोगों को फ्री राशन की सुविधा मिल रही है। वहीं BPL कार्ड धारकों को सरकार दिसंबर 2023 तक मुफ्त राशन देने का ऐलान कर चुकी है। यानी गरीबों की थाली से खाना कम ना हो, सरकार लगातार इस दिशा में कदम उठा रही है और राशन का लाभ गरीब जनता को दे रही है।